काशीपुर में मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया, जिसमें 21 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। वरवधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सात फेरे लिए। काशीपुर में मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी देव उठावनी एकादशी के दिन 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। वरवधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सात फेरे लिए। मां बाल सुंदरी संस्था के अध्यक्ष और मुख्य आयोजक आनंद कुमार ने बताया कि संस्था पिछले 8 वर्ष से लगातार जरूरतमंद परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है और अब तक 129 विवाह संपन्न करा चुकी है। आनंद कुमार ने बताया कि समिति की शुरुआत उनके पिता स्वर्गीय बाबूलाल ने की थी, जो उनके आशीर्वाद से आज भी चल रही है। परम पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से ये 21 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। सातवां आयोजन है, 2015 से लगातार हो रहा है और लोग यहाँ पर उत्साहपूर्वक इसका आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। और रामलीला मैदान से बारात चढ़ती हुई यहाँ चेती प्रांगण में, माँ भगवती बाबा सुंदरी प्रांगण में यहाँ पर आ रही है और कन्याओं का यहाँ पर पंडाल बने हुए हैं, जो तो यहाँ पर अपने घर से आके यहाँ रुकती हैं और उसके आयोजन के आयोजन से यहाँ फेरे और जयमाला का आयोजन करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।